मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके लिए लाया हूं राग पहाड़ी की एक बहुत बढ़िया सी ताल दादरा में एक बहुत बढ़िया सी धुन है, सेमी क्लासिकल लाइट क्लासिकल धुन है। दादरा ताल 6 मात्रा का है, इसमें बहुत बढ़िया सी है। आप ये अवश्य तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। दादरा ताल में 260 बीट में पहले इसको सुन लेते हैं कि ये फ्लूट पर बजाने से कैसी लगती है। इसके बाद हम इसकी एक एक लाइन की नोटेशन देखते हैं कि इसको किस तरह से बजाया जाता है। तो पहले सुनिए पूरी बंदिश ताल दादरा में। स्पीड 260 260 बीट्स पर मिनट। ये स्केल है काली 5 यानी ए शार्प। तो सुनिए पहले ताल दादरा में ये पहाड़ी धुन। Thank you.
थी पहाड़ी धुन ताल दादरा में 260 BPM की स्पीड में, स्केल था काली पांच यानी ए शार्प या फिर बी फ्लैट। अब देखिए राग पहाड़ी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बांसुरी पे और ज़्यादा अच्छा लगता है और बजाना भी उतना ही इजी है, लेकिन इसके अंदर जो हरकतें आती हैं, जो ऑर्नामेंटेशंस आते हैं, जैसे खटका, भुरकी, गमक, मींड, कर्ण खटका, कर्ण उपकर्ण वगैरह, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या बजा है। अगर वो नहीं समझ पाए, आप फ्लैट नोटेशन बजाएंगे तो पहाड़ी जैसा नहीं ही लगेगा। तो सिर्फ पहाड़ी की नोटेशन पे मत जाइए, थोड़ा सुन के भी उस तरह की कॉपी करने की कोशिश कीजिए। पहाड़ी राग बजाने से पहले आपको बहुत बहुत सारी अलंकारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिंगर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और फिंगर पे अपना पूरा कंट्रोल काबू होगा तभी आप राग पहाड़ी बजा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस, हरकतें आती रहती है, ऑर्नामेंटेशंस आते रहते हैं, तो ये सबको बहुत समझना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं इस बंदिश की एक एक लाइन कैसे गाते बजाते हैं। तो पहली लाइन थी ये, सुनिए। ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नि ध द द द रे रे ग रे ग सा ध सा ग ग रे ग सा। अब यहाँ फ्लैट ग ग रे ग सा ऐसा नहीं है, ग ग रे ग सा इस तरह से है, देखिए। बहुत सारा वाइब्रेशन है, इसकी एग्जैक्ट नोटेशन मैं आपको बता भी नहीं सकता, और अगर बताऊंगा भी तो आप उसको एग्जैक्ट नोटेशन बजाने जाएंगे तो कुछ अलग ही बजेगा, क्योंकि आप नोटेशन स्लोली बजाएंगे, इसमें बहुत स्पीडी हरकत है। ये बहुत स्लोली है, इसमें चलेगा रे म ग रे सा नि ध रे म ग रे सा नि ध। अब यहाँ फिर से एक ट्विस्ट है, ध ध ध रे रे। अब दूसरा जो ध है, दो ध के बीच में जो बीच वाला ध है वो कोमल है, ध ध ध रे रे ग रे ग सा ग सा। पहला ध बजाते हैं तो ये फिंगर उठाते हैं, ध ध ध, ये ध है, लेकिन इसको हिलाने से थोड़ा खटका आएगा। ये ग पे म का स्पर्श बार बार लेते हैं, पूरी लाइन ग ग रे ग सा सा सा
रे मा ग रे सा नी धा दा धा रे रे ग रे ग सा ध सा ग ग रे ग सा ग ग रे ग सा 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 रे मा ग रे सा नी धा दा दा यहां पे सा वाला फिंगर हिला के खटका लेना है दा दा ये कोमल दा है दा दा रे रे ग रे ग ग यहाँ पे म का खटका लेना है म वाली फिंगर हिलानी है ग सा द सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नी ध द द द रे रे ग रे ग सा द सा ग ग रे ग फिर यहाँ से हम दूसरी इसी लाइन को रिपीट कर सकते हैं द द द द रे रे ग रे ग सा द सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नी ध द द द रे रे ग रे ग सा द सा अब दूसरी लाइन सा के कण से नीचे का प लेना है प द ध रे ध ध रे ध प ध रे ध ध रे ध प प सा ध रे ग रे ग सा ध सा देखिए ये ध इस तरह से लेना है ध प ध ध रे ध प जो ग बजाते हैं तब फिर से म का खटका लेना है म को हिला म वाली फिंगर हिलाना है प सा द रे ग रे ग सा द सा फिंगर को बहुत स्पीडी हिलाना है वाइब्रेट करना है तो दोनों लाइन एक साथ ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नी ध द द द रे रे ग रे ग सा ध सा प द द रे ध द रे ध प प सा द रे ग रे ग सा द सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नी ध ध द ग रे रे ग रे ग सा द सा अब इसका अंतरा सा
सा द रे ग रे ग सा द सा। अब यहाँ जो मुखड़े की लाइन है वो ऊपर के नोटेशन, ऊपर के सप्तक में फिर से बजानी है। प सा द रे ग रे ग सा द सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नि द द द द रे रे ग रे ग सा द सा। ये अंतरे की पहली लाइन ये बजा के फिर मुखड़े की जो पहली लाइन है वो तार सप्तक में बजाना है। देखिए दोनों साथ में सब तक में यहां पर बजानी है। ग रे ग प ध ध द रे सा ध प सा द रे ग रे ग सा द सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नि ध द द द रे रे ग रे ग सा द सा। अब अंतरे की नेक्स्ट लाइन ग रे ग रे सा रे सा ध सा ध प ध प ग प ग रे ग सा ग ग रे ग सा ग ग रे ग सा। तो अंतरे की लास्ट लाइन ग रे ग रे सा रे सा ध सा ध प ध प ग प ग रे ग सा। ये एक अलंकार जैसा ही है। ग रे ग रे सा रे सा ध सा ध प ध प ग प ग रे ग सा ग रे ग रे सा रे। अब बीच में गैप नहीं डालना है, डायरेक्ट बजाना है। ग रे ग रे सा रे सा ध सा, इस तरह से गैप नहीं पाड़ना है, गैप नहीं लगाना है, कंटिन्यूस गाना। ग रे ग रे सा रे सा ध सा ध प ध ग प ग प ग रे ग सा ग ग रे ग सा। ये इतनी लाइन आप दो बार रिपीट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ग ग रे ग सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नि ध द द ध रे रे ग रे ग सा ध सा। अंतरे की लास्ट लाइन फिर से सुन लीजिए। द सा द प द प ग प ग रे ग सा ग रे ग रे सा रे सा ध सा द प द प ग प ग रे ग सा ग ग रे ग सा ग ग रे ग सा 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 रे म ग रे सा नि ध द द द रे रे ग रे ग सा ध सा। अब देखिए इसमें आप थोड़ा वेरिएशन, थोड़ी तान भी ऐड कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उसका एग्जांपल दे देता हूँ। अभी इसकी नोटेशन नहीं बताऊँगा लेकिन आप सुन लीजिए। लय में तान नहीं आती है तो आप स्लो लय में भी तान कर सकते हैं। देखिए कैसे
साधा पगरे सगरे गसा साधा पगरे सगरे गसा पद साधा पगरे गगरे गसा पद सारे साधा पगरे सगरे गसा दा 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 पगरे सगरे गसा सा सा। इस तरह से आप कोई भी तान इसके अंदर ऐड करके फिर मुखड़े की आधी लाइन रिपीट करके इसके साथ बजा सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन आ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इस तरह से आप अलग अलग वेरिएशन स्लो स्पीड में या फिर तान के रूप में डाल के इसको आप थोड़ा और विस्तृत कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा। आप इसी धुन को आप चाहे तो 15 मिनट 20 मिनट 25 30 मिनट 40 मिनट तक भी बजा सकते हैं। राग पहाड़ी की इस धुन के साथ अब एक राग पहाड़ी में फिल्मी गाना भी एक सुनाई देता हूँ। अभी तक हमने जो ये ट्यूटोरियल देखा वो ए शार्प यानी काली पांच स्केल में था। अब ये गीत मैं सी शार्प यानी काली एक में बजा रहा हूँ। सुनिए।